खबर यूपी के मेरठ जिले से है, जहां सरधना थाना इलाके में दिन निकलते ही जातीय संघर्ष हो गया। जातीय संघर्ष के दौरान दोनों पक्षों के बीच खूब कहासुनी हुई। इस दौरान संघर्ष में दोनों पक्षों के करीब 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। संघर्ष के दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग करने का भी आरोप लगाया है। दरअसल ये पूरा मामला सरधना इलाके के दुर्वेशपुर गांव का है, जहां मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पथराव हुआ। मारपीट में दोनों पक्षों के 7 लोग घायल हो गए। एसपी देहात ने बताया कि दुर्वेशपुर गांव में दो पक्षों के बीच 14 अगस्त को विवाद हो गया था, जिसकी सूचना उन्हें मिली थी, जिसके बाद सूचना पाते ही वे भारी पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि मारपीट के दौरान किसी भी युवक को गोली नहीं लगी, केवल कुछ लोगों को छर्रे लगे हैं। एसपी देहात ने बताया कि सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। वे इस घटना की गहनता से जांच कर रहे हैं। टाइम में खेत में सारा था तो रंजी सबसे पहले थे, एक बार लड़ाई हो गई थी तो गांव में ऐसे ही अंगूर से मुँह भाषा होगी, जो खेत वेत पे था, जो घर था, गल्ला जो आदमी मिला उस पर किसने करी? लियाकत प्रधान का भाई था, यासीन था, वसीम था और एक होता क्या कहना राशिद। अच्छा, प्रधान ने भी चली गोली चलाई? हाँ जी। किस किस के चली लगी गोली? गोली जी मेरा लगी और सोन का लगी और आकाश का लगी है, एक लड़की है उसका लगी है। थाना क्षेत्र सरधना के दुर्वेशपुर ग्राम में दो पक्षों के बीच में मारपीट, पथराव और फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस बल भेजा गया, मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है। इसमें किसी भी व्यक्ति के गोली नहीं लगी है, कोई भी कैजुअल्टी नहीं है, केवल 2-3 व्यक्तियों के छर्रे लगे हैं हाथ में, उनको भी उपचार हेतु तत्काल भिजवा दिया गया है। इसमें दोनों पक्षों के व्यक्तियों का नाम चिन्हित कर उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।